आज पुश डे था एंड मैंने चेस्ट एंड शोल्डर्स की एक्सरसाइज लगाई। चेस्ट में मैंने दो एक्सरसाइज लगाई थी जो है इंक्लाइन डंबल प्रेस एंड फ्लैट बेंच मशीन प्रेस। इंक्लाइन डंबल प्रेस मैंने 30 kg से की थी, 35 kg से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं लगा पाऊँ 3 sets, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं पहले सेट लगाता हूँ एंड उसमें मेरे से सिर्फ 6 या तो 8, मैंने मैक्सिमम एक बार 9 reps लगाया था 35 kg में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं 35 kg से 3 sets लगा पाऊँ इंक्लाइन डंबल प्रेस के। ये मेरा एक लाइफ टाइम गोल है कि मैं 50 kg डंबल से इंक्लाइन डंबल प्रेस करूँ। मुझे पता है कि इसमें एक तो नहीं आराम से 2 साल लग जाएंगे, लेकिन इट्स ओके, आई कैन वेट। मैंने शोल्डर्स की एक्सरसाइज की जिसमें मैंने सीटेड रेडेड फ्लाइज एंड सीटेड लैटरल लेजेस लगाए। शोल्डर्स एंड चेस्ट को साथ में नहीं लगा रहे हो तो मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो। उन दो मसल का जो पंप आता है ना, वो इनसेन होता है। एंड फिर मैंने लास्ट में श्रग्स लगाए। लोग मुझे कमेंट बोलेंगे कि श्रग्स तो पुल डे की एक्सरसाइज है, तुमने पुश डे पे क्यों लगाए? तो मैंने पुश डे में इसलिए लगाए क्योंकि मुझे मजा आता है पुश डे में लगाना। शोल्डर के साथ मैं अगर श्रग्स लगाता हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा पंप आता है शोल्डर्स एंड ट्रैप्स में। मैं रिच पियाना का वीडियो देख रहा था एंड उसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप श्रग्स को शोल्डर डे पे अगर पहले लगाते हो तो आपको ज्यादा बेटर पंप फील होगा, क्योंकि आप जब लेटर रेजेस लगाते हो तभी आपको श्रग्स फील होते हैं, एंड अगर आप पहले श्रग्स लगा दोगे तो आपका जो पंप है श्रग्स में वो ज्यादा अच्छा होगा, एंड अगर आपके ट्रैप्स आपके बॉडी के वीक पॉइंट है तो वो उनको ग्रो करने में ज्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे ट्रैप्स मेरे वीक पॉइंट है, मुझे बस ये रिच पियाना ने बोला था इसलिए मुझे ट्राई करना है। I'm
By the way, main supplements mein fish oil, whey protein, creatine, multivitamins and ashwagandha leta hu. And ye sare natural supplements hai, toh mujhe comment mat karna ki tu ek natural bodybuilder nahi hai. Whey protein mein Xlr8 brand ka leta hu. And guess what? Un logon ne abhi ek naya product launch kiya jiska naam hai Xlr8 nitro whey. ये एक ऐसा पैकेट में आता है एंड ऊपर एक जिप है तो अगर आप इसको खोलोगे एंड अगर आपको फिर से उसको बंद करना है तो आपको बस ऐसा कर देना है एंड ये बंद हो जाएगा. अगर आप इसको अमेज़न में से लेना चाहोगे तो आपको इसकी प्राइस 1799 के आसपास पड़ेगी एंड अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको एक स्कूप 70 रुपीज की मिलेगी. इसका वेट 907 ग्राम है. ये लोग LBS में सेल करते है इसीलिए ये 2 LBS है. इसकी वन स्कोप 38 ग्राम की है एंड उस 38 ग्राम में आपको 128 कैलोरीज मिलेगी, 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 3 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड 2.2 ग्राम फैट. एंड अब हम आते हैं मेन चीज पे. क्या आपने कभी ऐसा वे प्रोटीन देखा है जिसमें आपको वे एंड क्रिएटिन मिक्स मिला? क्या नहीं देखा आपने? गेस व्हाट, इसमें आता है. जी हाँ, इसमें आपको 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एंड 500 ग्राम एल आर्जिनिन भी मिलेगा साथ में. इसका मतलब है कि आपको एक स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन के साथ साथ 3 ग्राम क्रिएटिन भी मिल जा रहा है. मतलब आपको क्रिएटिन अलग से मार्केट में परचेस करने की जरूरत नहीं है. वो भी सच है कि अगर आप दिन में 3 ग्राम की जगह पे 5 ग्राम क्रिएटिन लो तो आपको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि 3 ग्राम इज लाइक मिनिमम यू नीड एंड 5 ग्राम इज लाइक द परफेक्ट अमाउंट. इसलिए मैं भी 5 ग्राम रोज कंज्यूम करता हूँ. पर कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि आप सिर्फ दिन में इसको एक ही स्कूप लेंगे. और ऑलमोस्ट सब वे प्रोटीन की दिन में 2 स्कूप तो लेते ही है. तो आप भी अगर 2 स्कूप लेते हो तो आपको 6 ग्राम क्रिएटिन मिल जाएगा एंड उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. आप 1 या तो फिर 5 ग्राम भी क्रिएटिन ज्यादा ले लो तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा. आपकी बॉडी को जितना क्रिएटिन जरूरत होगा उतना क्रिएटिन आपकी बॉडी ले लेगी एंड जितना भी जरूरी नहीं है वो आपकी बॉडी निकाल देगी. इसमें इंग्रेडिएंट्स है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है 79%, फिर कोको पाउडर है क्योंकि ये एक चॉकलेट फ्लेवर है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, एलर्जिनिन स्वीटनर, थिकनर एंड सोडियम क्लोराइड. मैंने अभी इसको पानी में मिक्स किया है एंड आप देख ही सकते हो कि इसकी मिक्सेबिलिटी अच्छी है पानी में. अगर आप इसको दूध में मिक्स करोगे तो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. एंड इसका टेस्ट भी ठीक ही है क्योंकि इसमें क्रिएटिन एंड एलर्जिन मिक्स किया है इसलिए इसका टेस्ट ज्यादा मीठा नहीं आएगा. आपको ऐसा लग सकता है कि ये इसमें शुगर थोड़ी सी कम है एंड अगर आपको ज्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है तो आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा. अगर आप इस पैकेट को खोल के देखोगे तो आपको इसके अंदर एक QR कोड मिल जाएगा. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने चीट किया है तो आप इसके QR कोड को स्कैन करके चेक कर सकते हो. आप YouTube में कोई भी ऐसा वीडियो देख लो जिसमें Xlr8 के कोई भी प्रोडक्ट्स को लैब टेस्ट किया है एंड आपको सभी वीडियो में यही देखेगा कि इनके जो भी न्यूट्रिशन फैक्ट्स है वो करेक्ट है. एंड मैं भी आपको गारंटी दे सकता हूँ कि Xlr8 ब्रांड एक ट्रस्टवर्थी ब्रांड है एंड मैं इस कंपनी के वे प्रोटीन को 6-7 महीने से यूज कर रहा हूँ. मैं नाइट्रो वे यूज नहीं करता था, मैं ये नॉर्मल वे प्रोटीन होता है मैं ये यूज करता हूँ क्योंकि इसका टेस्ट मुझे थोड़ा सा ज्यादा पसंद है नाइट्रो वे से. इसलिए इसके साथ गेनर भी है मेरे पास लेकिन गेनर मैं यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे गेनर की कोई जरूरत नहीं है. ये गेनर लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम आती है कैलोरी सरप्लस में खाने में. अगर आप कॉन्शियसली अवेयर हो कि इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है एंड मे बी अगर आपको पता हो कि ये कौन सा मंथ चल रहा है तो आपको पता होगा कि ये फेब्रुआरी मंथ चल रहा है एंड इसका मतलब है कि सिर्फ 2 महीने बाकी है मेरे बोर्ड्स की एग्जाम खत्म होने के लिए फेब्रुआरी एंड मार्च. बाद में मैं ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब में भी. इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर देना, उसमें भी मैं रेगुलर पोस्ट एंड रील अपलोड करता हूँ. हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए.